टॉपिक है ये एवोगाड्रो लॉ से शुरू होगा और टिल द एंड ऑफ द चैप्टर तक चलेगा, ठीक है। तो इसमें ये है कि सबसे पहले हम एवोगाड्रो लॉ को डिफ़ाइन करेंगे। सिंपल जो हम डिफ़ाइन करते हैं, जो सिंपल स्टेटमेंट है वो है वी इज डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू एन, यानी वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल्स एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर। पहले बॉयल लॉ था, पिचॉर्स लॉ था, देन अब एवोगाड्रो लॉ है। इसमें दोनों टेम्परेचर एंड जो है प्रेशर आपका वो कांस्टेंट हो गए हैं और वी डेड क्वेश्चन टू एन। अच्छा, इसका क्या मतलब है? वन मोल ऑफ एन टू क्या मतलब होगा? 28 ग्राम एट एस टी पी पी, उसका वॉल्यूम क्या होगा? फर्स्ट चैप्टर हमने पढ़ा था 22.414 dm³। तो क्योंकि ये एक मोल का वॉल्यूम है तो एक मोल में कितने मॉलिक्यूल्स होते हैं? 6.02 × 10⁻²³। तो ये सारे रिलेशन उन्होंने लिखे हुए हैं। कहते हैं सिग्निफिकेंस क्या है? इज़ अप्लाई टू डिटरमिन द मैस, मैस आप फाइंड कर सकते हैं, वॉल्यूम आप फाइंड कर सकते हैं, एंड नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स भी फाइंड कर सकते हैं। देखिए उसने नीचे आपको एग्जांपल भी दी है। अब सॉरी, मोलर वॉल्यूम को एक्सप्लेन करें, ये आपने फर्स्ट चैप्टर में भी पढ़ा था कि द 1 ग्राम मॉलिक्यूल और 1 मोल ऑफ गैस विल हैव 22.414 dm³ ऑफ वॉल्यूम एट एस टी पी। दिस वॉल्यूम इज़ कॉल्ड मोलर वॉल्यूम। जो किसी चीज़ का एक मोल होता है वो एस टी पी पे, यानी कि स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर पे, उसका वॉल्यूम जो होता है वो 22.414 dm³ होता है, और इसको हम क्या कहते हैं जी? मोलर वॉल्यूम। आगे कैलकुलेशन का एग्जाम्पल की बात कर रहे हैं, तो इसमें आप ये देख सकते हो कि उसने मोल कैसे कैलकुलेट किए हैं। मैस पर मोलर मैस करके देन मॉलिक्यूल में क्या करेगा? टू फाइंड द मॉलिक्यूल्स, वो मोल को क्या करेगा? जो एवोगाड्रो नंबर है उसके साथ सिंपली मल्टीप्लाई कर देगा। ये आप 9th में कर चुके हो, मॉलिक्यूल्स फाइंड करना और नंबर ऑफ मोल्स फाइंड करना दो अलग अलग चीज़ें हैं, ठीक है। अब नंबर ऑफ एटम्स अगर फाइंड करने हैं तो आप क्या करेंगे? मोल पहले फाइंड करेंगे, मोल को नंबर ऑफ एवोगाड्रो नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, देन फिर उसमें जितने एटम हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल 4 एटम है या 5 एटम है, उसको फिर उस डिजिट के साथ जो है वो आप मल्टीप्लाई कर देंगे। वॉल्यूम इन dm³, ये आपने फर्स्ट चैप्टर में सेल्फ चेक की हो, ये दोबारा कराने की ज़रूरत नहीं है, ये नीचे गिवन है, ये आपने करनी है, ठीक है, सेल्फ चेक, ठीक है। अभी जो मैं आपके साथ शेयर करने लगा हूँ वो है डेरिवेशन जनरल गैस इक्वेशन। इसमें क्या है? तीनों लॉ को आप इकट्ठा कर रहे हो, बॉयल लॉ, चार्ल्स लॉ एंड एवोगाड्रो लॉ, ठीक है। तो उनको आपने तीनों इक्वेशन को कंबाइन किया है, देन टू रिमूव द प्रोपोर्शनैलिटी यू इंट्रोड्यूस द कांस्टेंट, द कांस्टेंट इज कॉल्ड द आर एंड द आर इज कॉल्ड जनरल गैस कांस्टेंट व्हिच हैज़ डिफरेंट यूनिट्स। वो हमें देखते हैं आगे कि कौन कौन सी यूनिट है इसकी, ठीक है। जिस तरह आपने उधर बॉयल लॉ में देखा था ना, P1V1 = K P2V2 = K, तो यहाँ पे क्या है? P1V1 / T1 = R P2V2 / T2 = R, ठीक है। तो उसी तरह सेम, कोई मुश्किल नहीं है इसमें, बिल्कुल आसान है ये इसी तरह के न्यूमेरिकल है जिस तरह हमने 9th में किए हुए हैं, ठीक है, जिसमें परेशानी। लेकिन इसमें मैंने आपको लास्ट टाइम भी कहा था, अभी यही कह रहा हूँ कि आपने वॉल्यूम का ध्यान रखना है, ठीक है, वॉल्यूम और प्रेशर का। फॉर एग्जाम्पल दोनों प्रेशर एक यूनिट में है, कोई मसला नहीं है। वॉल्यूम अगर cm³ में है तो आपका आंसर भी वॉल्यूम का cm³ में आएगा, लेकिन आप फिर कोशिश करें कि आप स्टार्ट में ही वॉल्यूम को dm³ में कन्वर्ट कर लें और अपना आंसर भी dm³ में निकालें। अगर ऐसा नहीं करते हैं, वो cm³ में ही रखते हैं, तो फिर एंड पे मेहरबान उसको dm³ में कन्वर्ट कर लें, ठीक है। ये इसमें कोई मुश्किल नहीं है, बिल्कुल आसान न्यूमेरिकल है, बहुत ज़्यादा आसान न्यूमेरिकल, पूरी बुक में ये सबसे ज़्यादा आसान न्यूमेरिकल है, 9th क्लास की तरह के बिल्कुल। सिग्निफिकेंस ऑफ जनरल गैस कांस्टेंट, वे विद द हेल्प ऑफ जनरल गैस इक्वेशन वी कैन डिटरमिन द मॉलिक्यूलर मास ऑफ गैस, डेंसिटी ऑफ गैस भी, ये आपकी बुक में है और बहुत इंपॉर्टेंट है ये। अच्छा जी, मॉलिक्यूलर मास कैसे करते हैं जी? जैसे देखें जी, PV = nRT होता है। अब n क्या है? मास अपर मोलर मास, नंबर ऑफ मोल्स होते हैं ना, तो मास को वो W से रिप्रेजेंट कर रहे हैं
और मोलर मास को कैपिटल एम से रिप्रेजेंट कर रहा है। तो उसने जो है वो जो डिनोमिनेटर में कैपिटल एम था उसको जनाब उधर मल्टीप्लाई करवा दिया, देन उसको उस रफ ही रखा है और पी वी को डिनोमिनेटर में मूव करवा दिया है। ठीक है, तो ये आपके पास क्या गया, मोलर मास आ गया। टू फाइंड द मोलर मास, अब इसी तरह हम डेंसिटी भी फाइंड करते हैं। देखिए नीचे वाले में उसने एन की जगह पे क्या पुट किया है, वही डब्ल्यू बाई एम। अब एम प्राइम उसने इसलिए यूज़ किया है, अब एम प्राइम ना यूज़ करें कोई मसला नहीं। पी एम इज इक्वल टू डब्ल्यू बाई वी इंटू आर टी। अब देखें डब्ल्यू बाई एम जो है ये होती है डेंसिटी। अब ये डेंसिटी कैसे आ गई, डब्ल्यू बाई एम डेंसिटी होती है, डब्ल्यू बाई वी डेंसिटी होती है। ये इसने गलत लिखा है, उधर वो सही लिखा है, ऊपर नीचे गलत क्या आ गया है। डब्ल्यू बाई वी जो है वो डेंसिटी होती है मास बाय वॉल्यूम। ठीक है, तो उसने देखे ना वो उधर डी पुट किया है और ठीक है एम डब्ल्यू बाई वी की जगह पे उसने डी पुट किया है और डी इज़ इक्वल टू एम पी बाई आर टी। तो यहाँ से हमें पता चल गया है कि डेंसिटी का मोलर मास से डायरेक्ट रिलेशन है, डेंसिटी के प्रेशर से डायरेक्ट रिलेशन है, डेंसिटी के टेम्परेचर से इनवर्स रिलेशन है। ठीक है, और तो है ही गैस कॉन्स्टेंट है ना जी। यहाँ पे वो कह रहा है आर की वैल्यू कैलकुलेट करें। सबसे पहले जो है आपने ए टी एम और डी एम क्यूब मोल पर मोल पर केल्विन में फाइंड करनी है। तो प्रेशर कितना होता है डी एम क्यूब में, वो मोलर वॉल्यूम वाला 22.414। प्रेशर कितना होता है जो ए टी एम में होता है, 1 ATM पे होता है। ठीक है, मोल 1 मोल, और टेम्परेचर क्या होता है आप 273 केल्विन लेते हो। ठीक है, तो अगर हम इसमें चेंजिंग करें कि वॉल्यूम को हम कर दें सी एम क्यूब में और प्रेशर को हम कर दें एम एम एच जी में। देखिए जहाँ पे आपका 1 ATM है ना, वहाँ पे आप क्या कर देंगे 760 कर देंगे। ठीक है, 760 कर देंगे, और जहाँ पे 22.414 डी एम क्यूब है इसको आप सी एम क्यूब में कन्वर्ट करेंगे, वो आप कर सकते हैं। देन इसी फार्मूला में आप पुट करेंगे ना, तो आपको वैल्यू फाइंड हो जाएगी विद यूनिट्स। ठीक है, यूनिट साथ लाजमी लिखनी, कोई इसमें मुश्किल नहीं है। ठीक है, नमेरिकल वैल्यू ऑफ एस यूनिट ऑफ आर विद द हेल्प ऑफ जनरल गैस इक्वेशन। ठीक है, कहते हैं नमेरिकल वैल्यू भी नमेरिकल वैल्यू फाइंड करें एस आई यूनिट के साथ। ठीक है, तो एस आई यूनिट आपने याद रखना है कि इसमें कौन कौन सी यूज़ होंगी। ठीक है, तो इसमें जो आर की जो वैल्यू आ रही है वो न्यूटन मीटर से उसको जूल्स के साथ रिप्लेस कर दिया है, तो वो 8.3143 आ रही है। जो ऊपर आई थी वो सेम थी 0.0821। अब जस्ट ए टी एम को उसने जो है वो एस आई यूनिट यानी कि न्यूटन मीटर में चेंज किया है प्रेशर में। जब प्रेशर में चेंज किया तो उसको 1 न्यूटन मीटर को जो है वो इक्वल टू 1 जूल रखा है। ठीक है, तो देन वैल्यू आपकी चेंज हो गई है। ठीक है, कैलकुलेट द एवरेज मोलर मास ऑफ एयर एट सी लेवल, ये कैलकुलेट कर लोगे, वही डेंसिटी वाला फार्मूला लगाना है। सर्टन गैस ये भी वैसे ही है, कोई मुश्किल नहीं है इसमें। मूव ऑन मूव ऑन जी, ये मैं इसलिए स्किप कर रहा हूँ क्योंकि ये आपने 9th-10th में किए हुए हैं। यहाँ तो इसमें जनरल गैस इक्वेशन लगेगी या बॉयल ला लगेगा या चार्स ला लगेगा। बॉयल चार्स ला तो यहाँ पे ला ही नहीं सकते क्योंकि जनरल गैस इक्वेशन अभी हमने डील की है, तो वो यूज़ हो गई। अच्छा, आगे जो है ना वो आ रहा है कॉजेज ऑफ डेविएशन फ्रॉम आइडियल बिहेवियर, के जो हैं गैसेस जो हैं वो आइडियल बिहेवियर से डेविएट क्यों करती हैं। ठीक है, वो हम देखते हैं कि क्यों करती हैं, आपके ख्याल में क्यों करेंगी। जी देखिए, हम ये इस तरह डेविएट करती हैं कि डिफरेंट बिहेवियर होता है ना हर गैस का, तो गैस जो है वो अपने बिहेवियर के अकॉर्डिंग डील करती है। या फिर हम कंडीशन वगैरह प्रेशर और वॉल्यूम वगैरह सॉरी प्रेशर और टेम्परेचर वगैरह अगर चेंज करें तो तब भी उसका बिहेवियर जो है वो चेंज हो सकता है। एट लो प्रेशर द मलिक्यूल आर जनरली वेरी फार अपार्ट, हाँ जी, एंड द अट्रैक्शन बिटवीन द मलिक्यूल इज
मॉलिक्यूल आर इनसिग्निफिकेंट, यानी कि उनके दरमियान अट्रैक्शन नहीं होती। एट टेम्परेचर अबव द कंडेंसेशन पॉइंट द काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैसीय मॉलिक्यूल इज़ टू ग्रेट एंड इट इज़, अजीब बात लिखी है इसने, कहते हैं कि जब टेम्परेचर लो होता है ना, सॉरी प्रेशर लो होता है, तो गैस के मॉलिक्यूल दूर दूर होते हैं। जब गैस के मॉलिक्यूल दूर दूर होते हैं तो फिर क्या होता है, उनके दरमियान अट्रैक्टिव फोर्सेस नहीं होती, ठीक है, बहुत कम होती हैं। ठीक है, आगे ये इसको देखते हैं फिर आपको समझ आ जाएगी। ये कैसे शो नॉर्मल बिहेवियर है लो टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर, यहाँ से आपको सही समझ आएगी। द आइडियल कंडीशन इज दैट द आइडियल गैस ओबे गैस लॉ, अगर वो ओबे नहीं करती तो वो क्या होगी, वो नॉन आइडियल होगी। ठीक है, तो कोई भी गैस एग्जैक्टली आइडियल नहीं है, ठीक है, क्योंकि कोई भी चीज़ जो है वो आइडियल नहीं है साइंस में। ठीक है, हम सपोज कर लेते हैं कि एक आइडियल है, देन उसके साथ कंपैरिजन करते हैं, फिर देखते हैं कि एक जो है हमने जो एक स्टैंडर्ड सेट किया है उसके अकॉर्डिंग कौन कितनी है। फॉर एग्जांपल अगर मैं कहता हूँ कि गैस ये है वो 100% आइडियल है, अब मैं बाकी गैसों की जो है ना आइडियलिटी वो उसके साथ कंपेयर करूँगा, अगर किसी का आंसर 85 आता है, किसी का 90 आता है, किसी का 70 आता है, किसी का 60 आता है, तो मैं कहूँगा कि मेरा रेफरेंस ये है, इस रेफरेंस के लिहाज से जो है वो जो है गैस वो इतने परसेंट जो है वो आइडियल है और इतने परसेंट ना ना आइडियल है। 100% आइडियल कोई भी नहीं होता, ठीक है, बट हम एक रेफरेंस बना लेते हैं और उसके लिहाज से फिर बात करते रहते हैं। द आइडियल कंडीशन इज दैट द गैस ओबे द गैस लॉ, अगर नहीं ओबे करती तो वो क्या होगी, नॉन आइडियल होगी। इंटर मोलेकुलर फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन, देर आर नो अट्रैक्टिव और रिपल्सिव फोर्सेज बिटवीन द गैस मॉलिक्यूल, ये कौन सा बता रहा है कि गैस गैसेस डेविएट क्यों करती हैं, रियल गैसेस, ठीक है, आइडियल बिहेवियर से डेविएट क्यों करती हैं या नॉन आइडियल बिहेवियर क्यों शो करती हैं। ठीक है, आइडियल बिहेवियर से डेविएट क्यों करती हैं या नॉन आइडियल बिहेवियर क्यों शो करती हैं, ये दोनों एक ही सवाल है। द वॉल्यूम ऑफ गैस मॉलिक्यूल इज नेग्लिजिबल एज कम्पेयर टू द वॉल्यूम ऑफ कंटेनर, देखिए वॉल्यूम ऑफ समझे जो है ना गैस मॉलिक्यूल, यही है कि आप एक नहर है, जो ये आपके पास नहर ऊपर झेलम है, इसमें आप एक जो है वो एक स्मॉल स्टोन फेंक दें तो ये हिसाब होगा, पूरी नहर देख लें, ठीक है, कोई एक फॉर एग्जाम्पल उसका 10 मीटर का एरिया आप जो है ना वो कंसिडर कर लें, 10 फुट का कर लें, ठीक है, तो उसमें आप एक स्टोन फेंक दें तो ये एक स्टोन जो है वो एक गैस का एक मोल का वॉल्यूम है और बाकी ओवरऑल गैस का जो वॉल्यूम है वो देखें कितना ज़्यादा है। ठीक है, तो इस वजह से अब वो कह रहा है एक्सप्लेनेशन, अब हम इसकी एक्सप्लेनेशन देते हैं कि ऐसा क्यों है। एट हाई टेम्परेचर द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द गैशियस मॉलिक्यूल इज़ वेरी हाई, एज अ रिजल्ट अट्रैक्टिव फोर्सेज बिटवीन देम आर नेग्लिजिबल, उनके दरमियान अट्रैक्टिव फोर्सेज जो हैं वो ख़त्म हो जाती हैं। ठीक है, द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल डिक्रीजेज, द इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स बिकम सिग्निफिकेंट, इट मीन्स द मॉलिक्यूल कम क्लोजर टू ईच अदर। ठीक है, जब टेम्परेचर लो होता है तो वो मॉलिक्यूल पास पास होते हैं तो उनके दरमियान अट्रैक्टिव फोर्सेज डिवेल्प हो जाती हैं, जब अट्रैक्टिव फोर्स डिवेल्प होती हैं तो वो नॉर्मल बिहेवियर से यानी कि आइडियल बिहेवियर से डेविएट करना शुरू कर देते हैं। ठीक है, जैसे उसने लिखा हुआ है SO2 लिक्विफाई एट -10 वाइल H2 एट -252, तो कौन जो है वो ज़्यादा आइडियल है कौन नॉन आइडियल है ये आप अच्छे से प्रेडिक्ट कर सकती हो। कैसे, देयर फॉर अट्रैक्टिव फोर्सेज बिटवीन SO2 मॉलिक्यूल कैन नॉट बी कंसिडर नेग्लिजिबल एट रूम टेम्परेचर, फॉर दिस रीज़न SO2 गैस शो नॉन आइडियल बिहेवियर एट रूम टेम्परेचर एट एज कम्पेयर टू H2 गैस। देखें -10 पे आके वो लिक्विड में कन्वर्ट हो रही है, दूसरी हाइड्रोजन -252 यानी तकरीबन 250 डिग्री सेल्सियस पे जाके वो लिक्विड में कन्वर्ट हो रही है, तो किस में फोर्सेस मालिक्यूल पास पास हैं, देखें SO2 में पास पास है, क्यों, क्योंकि हमने भी थोड़ा सा उसे माइनस किया है तो वो उसके मॉलिक्यूल पास थे और फटाफट वो आपस में मज़ीद कंबाइन हुए हैं और वो कन्वर्ट हो गए हैं लिक्विड में। H2 में मॉलिक्यूल बहुत ही ज़्यादा दूर थे, जब हमने बहुत ज़्यादा टेम्परेचर रिड्यूस किया तब जाके वो कहीं पास आए हैं, देन वो लिक्विफाई हुए हैं। अच्छा, एट हाई प्रेशर की अगर हम बात करें, जब हाई प्रेशर की बात करेंगे तो बेटा मॉलिक्यूल बिल्कुल पास पास आ जाएंगे तो उनमें क्या होगा, फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन डिवेल्प हो जाएंगी। ठीक है, सो ये वॉल्यूम की हर बात है। एट लो प्रेशर आउट एक्चुअल वॉल्यूम ऑफ गैस मॉलिक्यूल इज़ वेरी स्मॉल एज़ कम्पेयर टू द वॉल्यूम ऑफ कंटेनर, हाउएवर द वॉल्यूम डज नॉट रिमेन नेग्लिजिबल एट हाई प्रेशर। देखें मैं कहता हूँ आपको, फॉर एग्जांपल आपके पास एक एक पूरा जो है वो टप है आपके पास पानी का, ठीक है,
तो आप क्या करते हो उसको ऐसे जो है कंप्रेस करते हो कि वॉल्यूम की बात करें ना गैस के मॉलिक्यूल की, ठीक है। तो आप उसे ऐसे कंप्रेस करते हो कि पहले अगर वो टब की शेप में था, अब वो बिल्कुल कप की शेप में या जो मग है एक चाय का मग जो होता है उसकी शेप में आ गया। मैं आपको फादी से क्या अंडरस्टैंडिंग बता रहा हूँ या डायग्राम आपको बात क्लियर कर रही होगी। मतलब एक टब था, टब को मैंने क्या किया है, मैंने किसी तरीके से उसको जो उसका साइज़ इस्तेमाल किया है और करते करते मैं उसको ले आया हूँ एक मग की साइज़ में। अब मग की साइज़ में क्या है, मतलब मैंने प्रेशर अप्लाई किया ना साइड्स पे। अब जो वॉल्यूम है किसका, गैस के मॉलिक्यूल का, वो अब निग्लिजिबल नहीं है। क्यों? क्योंकि अब टोटल ओवरऑल जो है वो साइज़ जो जो है वो कम हो गया है, ठीक है। एक जो आपका टप है उसमें समझे आपने एक स्टोन फेंका हुआ है, स्टोन एक स्टोन जो है वो गैस का एक मोल है, ठीक है। और जब और एक मग है जो चाय का, उसमें आपने एक स्टोन फेंका हुआ है। तो इन दोनों में क्या, इन दोनों में जो स्टोन है वो किस में उसकी ज़्यादा वर्थ होगी? उसकी वर्थ मग वाले में ज़्यादा होगी, यानी कि उसकी जो कंट्रीब्यूशन है वो मग वाले में ज़्यादा होगी एज़ कम्पेयर टू जो टप है आपका, ठीक है। तो इस वजह से हम ये कहते हैं कि जब हम प्रेशर कम करते हैं तो वॉल्यूम जो होता है, जो हमने पहले पॉइंट पढ़ा था कि वॉल्यूम ऑफ गैस मॉलिक्यूल इज़ नेगलिजिबल एज़ कम्पेयर टू द टोटल वॉल्यूम, वो बात गलत हो जाती है, ठीक है। अच्छा, ये जो गैसेस जो हैं वो आइडल बिहेवियर से डेविएट कैसे करती हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ना एक बड़े काम की बात है, अगर नज़र आया आपको तो यहाँ पे एक आइडियल लाइन बनी हुई है जैसे मैंने आपको पहले बताया, ठीक है। तो यहाँ पे आइडियल लाइन है, जो हम पे हम आइडियल लाइन एक बना देते हैं, हम कहते हैं ये आइडियल है, देन हम देखते हैं उससे गैसेस कितना ज़्यादा डेविएट करती हैं। व्हेन द प्रेशर इज़ इनिशियली इंक्रीज इट पुशेस द मॉलिक्यूल्स क्लोजर एंड इंक्रीज द इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। ड्यू टू दीज फोर्सेस द वॉल्यूम ऑफ द गैस श्रिंक्स मोर देन दैट प्रोडिक्टेड फ्रॉम द गैस लॉस। दिस विल डिक्रीज द पी वी बाय आर टी, दैट इज़ वाई द गैस डू नॉट शो द स्ट्रेट लाइन। पी वी बाई आर टी इज़ कॉल्ड कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर। येस, कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर क्यों है? देखें, जब आप प्रेशर आप अप्लाई कर रहे हो तो उसको कंप्रेस कर रहे हो ना, ठीक है। जब आप कंप्रेस कर रहे हो तो क्या होगा, वो आइडियल लाइन की तरफ नहीं होगी बल्कि उससे डेविएट करना शुरू कर देगी, ठीक है। और ये याद रखें, जो कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर है, ये मैं आपको बात बताने लगा था, कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर जो है इसकी जो वैल्यू है ये 1 है, ठीक है, फॉर एन आइडियल गैस, ठीक है। अच्छा, आगे चलते हैं। वंडरवाल ने क्या किया था, ये जो अभी हमने दो चीज़ें पढ़ी है ना कि जब हम टेम्परेचर लो करेंगे तो उनमें क्या होगा, गैसेस के मॉलिक्यूल में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आ जाएगी और गैस मॉलिक्यूल जो हैं वो अपने आइडियल बिहेवियर से डेविएट करना शुरू कर देंगे, यानी कि जो हमने जनरल गैस इक्वेशन ड्राइव की थी ना उसको फॉलो नहीं करेंगे। दूसरी करेक्शन हमने क्या की थी, दूसरी करेक्शन हमने की थी वॉल्यूम की, के जो जिसमें मैंने आपको टप और मग की एग्जांपल दी थी कि अगर हम लो टेम्परेचर और हाई प्रेशर प्रोवाइड करते हैं तो फिर गैस का जो मलेक्यूल है उसकी जो वर्थ है वो काफ़ी ज़्यादा हो जाती है, वो कंसिडरेबल हो जाती है, ठीक है। हम इसको इग्नोर नहीं कर सकते। पहले हम यही कहते आए थे कि वॉल्यूम ऑफ गैस मलेक्यूल इज़ निग्लिजिबल एज़ कम्पेयर टू दी वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर या टोटल गैस, ठीक है। लेकिन अब यहाँ पे जब प्रेशर लो होगा, सॉरी, प्रेशर हाई होगा और टेम्परेचर लो होगा, तब ऐसा सीन नहीं होगा। और इसी को वंडरवाल ने करेक्ट किया था, और उसने क्या किया था, उसने जो है जो जनरल गैस इक्वेशन है उसको मॉडिफाई किया था, और इसी को हम क्या कहते हैं, वॉल्यूम प्रेशर जो है, सॉरी, वंडरवाल्स इक्वेशन कहते हैं, या फिर हम वॉल्यूम प्रेशर करेक्शन भी कहते हैं, ठीक है। अब इसमें ये देखें, मैं इसको थोड़ा दिखाने की कोशिश करता हूँ। देखें, इसमें वी लिखा हुआ है, वी वेजल माइनस वी मॉलिक्यूल। अच्छा, उसने वी लिखा, वी इज़ फ्री वॉल्यूम। अब ये वी वेजल माइनस वी मॉलिक्यूल क्यों लिखा उसने? वी नीड द फ्री वॉल्यूम ऑफ गैस एंड डेट इज़ ऑब्टेन व्हेन वी सब्ट्रैक्ट द इंडिविजुअल वॉल्यूम ऑफ गैस मॉलिक्यूल फ्रॉम द वॉल्यूम ऑफ वेजल। कहते हैं कि हमने फ्री वॉल्यूम फाइंड करना है कि हमारे पास कितना फ्री वॉल्यूम है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, टोटल वॉल्यूम में से, गैस के टोटल वॉल्यूम में से जो इंडिविजुअल गैस का वॉल्यूम, गैस के एक मॉलिक्यूल का वॉल्यूम है, वो हम सब्ट्रैक्ट करेंगे।
और गैस के मॉलिक्यूल का वॉल्यूम की उसने वैल्यू लिखी है एन बी। अब एन क्या है, नंबर ऑफ मोल्स हैं। अब बी क्या है, हेयर बी इज़ अफेक्टिव वॉल्यूम ऑफ गैस मॉलिक्यूल। अफेक्टिव का क्या मतलब हुआ, ये देखें, कीप इट इन माइंड दैट बी इज़ नॉट द एक्चुअल वॉल्यूम ऑफ गैस बट इट इज़ रफली इक्वल टू 4 times ऑफ देयर मोलर मैस वॉल्यूम। इफ़ वी हैव 1 mole ऑफ गैस देन द बी इज़ इक्वल टू 4 Vm वेयर Vm इज़ एक्चुअल वॉल्यूम ऑफ गैस मॉलिक्यूल फॉर 1 mole ऑफ गैस। यानी कि अगर हमारे पास 2 volume है, एक अफेक्टेड वॉल्यूम है, अफेक्टेड वॉल्यूम क्या होगा ये कहाँ से आगे देखें, जब हमने प्रेशर उस पर अप्लाई किया है तो उसके वॉल्यूम में कोई ना कोई चेंजिंग तो आई होगी, तो जो वो चेंजिंग आई है उसको हम अफेक्टेड वॉल्यूम कह रहे हैं और एक्चुअल वॉल्यूम हमें पहले ही पता था। ठीक है, बात समझ आ गई। तो वो जो है उन दोनों को रिलेट कर रहा है। अगर प्रेशर प्रोडक्शन की बात करें, उसने लिखा है पी ऑब्जर्व इज इक्वल टू पी आइडियल माइनस पी लेसेंट। अब ये क्या बात हुई, प्रेशर विच इज एक्सर्टेड ऑन द वॉल ऑफ द वेसल। हाँ जी देखें, चलो पहले इसको पढ़ लेते हैं फिर इसको मैं आपको जो है वो बता देता हूँ कि वेसल इज ड्यू टू कोलिजन ऑफ द मॉलिक्यूल सिंस द देयर आर सम वीक फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन अमंग द गैस मॉलिक्यूल सो द मॉलिक्यूल कैन नॉट हिट द वॉल ऑफ द वेसल दैट मच फोर्स विच ओके विद विच दे वुड हैव बीन इन द एब्सेंस ऑफ दिस ओके जी। इट मीन्स द प्रेशर बींग ऑब्जर्व ऑन द वॉल ऑफ वेसल इज ए लिटिल बिट लेसर देन द आइडियल प्रेशर। ठीक हो गया जी। फॉर एग्जाम्पल देखें, जब क्या होगा, उनमें फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन डेवलप हो जाएंगी बच्चों, मॉलिक्यूल्स में वो आपस में अट्रैक्ट होना शुरू हो जाएंगे, तो वो वॉल के साथ, कंटेनर की वॉल के साथ हिट नहीं करेंगे। जब कंटेनर की वॉल के साथ हिट नहीं करेंगे, फॉर एग्जांपल पहले 100 के 100 मॉलिक्यूल हिट कर रहे थे, अब फॉर एग्जांपल जो है क्या नाम है, तकरीबन जो है वो 80 का आ रहे हैं या 70 का आ रहे हैं, तो देखें डिफरेंस तो आएगा ना प्रेशर का। जो वॉल पे वो प्रेशर एग्जर्ट कर रहे थे, पहले अगर 100 मॉलिक्यूल जो थे वो प्रेशर एग्जर्ट कर रहे थे, या अब ये समझ लें 100 बंदे अगर किसी चीज़ को पुश कर रहे थे, अब अगर 80 बंदे उसको पुश कर रहे हैं, तो जाहिर सी बात है उनके प्रेशर में या उनकी फ़ोर्स में, यहाँ पर हम फोर्स की बात नहीं करेंगे, प्रेशर में जो है वो फ़र्क तो आएगा। अब वो जो फ़र्क है वो कह रहा है वो पी लेसेंट है, यानी कि जो कम हुआ है। क्यों कम हुआ है, ड्यू टू दी प्रेजेंस ऑफ अट्रैक्टिव फोर्सेस। ठीक है, और आइडियल कितना था, जितना हमने एक्सपेक्ट किया हुआ था। ठीक है, जितना, ठीक है, इफ़ द आइडियल प्रेशर इज डिनोटेड बाई पी आई एंड द प्रेशर लेसन ड्यू टू द मॉलिक्यूलर अट्रैक्शन इज डिनोटेड बाई पी प्राइम देन पी ऑब्जर्व्ड। यानी कि जो एक हमारा आइडियल था, दूसरा क्या था, दूसरा जब हमने उस पर जो है फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन उसमें डेवलप हो गई, फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन डेवलप होने के बाद उसके वाल पे मॉलिक्यूल कम स्ट्राइक आ रहे थे, उसके वजह से उसका प्रेशर कम हुआ, और हमने फिर एक्चुअल यानी कि जो हमारे पास पहले आइडियल था उसमें से हमने पी जो कम हुआ वो हमने माइनस किया, तो हमारे पास जो ऑब्जर्व्ड है यानी कि जो प्रेजेंट वॉल्यूम है वो हमारे पास आ गया। बट द पी प्राइम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डेंसिटी। ये क्या किया सर, ये इसको छोड़ दो, ये ना करना आप, बस ये करो आगे से। पी प्राइम इज इक्वल टू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन बाई वी। ठीक है, इसको फिर जो है वो चेंज किया है उसने इक्वेशन में, तो ए इंट्रोड्यूस करवा दिया है। अब ये पी प्राइम की वैल्यू उसने जो है वहाँ पे सब्सिट्यूट की है, जब वैल्यू उसने वहाँ पे सब्सिट्यूट की है तो क्या हुआ है, देखें आपके पास 2 वैल्यू आ गई हैं। ऊपर आपने वॉल्यूम करेक्शन की है जहाँ पे आपके पास फाइनल वैल्यू आई थी वी माइनस एन बी, और यहाँ पे प्रेशर करेक्शन में आपके पास वैल्यू आई है ए एन का स्केयर बाय वी का स्केयर। ये इसने गलती की हुई है यहाँ पे बच्चों, ये इसे करेक्ट कर लेना बुक से देख के। ठीक है, पी प्लस आता है, पी प्लस ए एन का स्केयर बाय वी का स्केयर। ठीक है, तो अगर वो n जो है वो 1 हो तो वो स्केयर ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, अच्छा एक मेरी बात सुनो आप, इसमें हमने क्या किया है, देखिए हमने जो जनरल गैस इक्वेशन थी उसको हमने क्या है कि उसमें कुछ जो है वो कमियां हैं, कुछ उसमें डिफेक्ट्स हैं, उस डिफेक्ट्स को किसने ओवरकम किया, वंडरवाल ने। ठीक है,
ठीक है। वंडरवाल ने काम किया, किस तरह ओवरकम किया, उसने वॉल्यूम और प्रेशर कुरेक्शन दी। जब वॉल्यूम और प्रेशर कुरेक्शन दी तो फिर हमने क्या किया, हमने जनरल गैस को की इक्वेशन को हमने मोडिफाई कर लिया, ठीक है, और वो फाइनल रिजल्ट हमारे पास आ गया। ये कॉन्स्टेंट्स की वैल्यू है, ये याद करनी हो चुका लेना वरना ख्याल छोड़ दो। जी आगे न्यूमेरिकल शुरू हो गए हैं, वही अब वंडरवाल जो इक्वेशन है उसकी बेस पे न्यूमेरिकल सॉल्व होंगे आपके, ठीक है। यहाँ पे बच्चों एक बात आपने याद रखनी है, यहाँ पे जो है ना इक्वेशन में ए और बी हैं, दो कॉन्स्टेंट्स हैं, ठीक है। ये आपको जब भी न्यूमेरिकल आएगा आपको ए और बी गिवन दिए, जैसे ऊपर टेबल बना हुआ है ना इस तरह आपको जो है ना वो न्यूमेरिकल में जो है वो साथ गिवन होंगे। तो आपने परेशान नहीं होना कि हमें याद करने पड़ेंगे या ये होगा या वो होगा, ठीक है। डाल्टन लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर, ठीक है जी। उसने कहा था कि फॉर एग्जाम्पल हमारे पास तीन गैसेस हैं, उन तीनों गैसेस का जो टोटल प्रेशर है वो है 1000, ठीक है। तो उसमें तीन गैसेस हैं ए बी और सी, तो मैं ये कहता हूँ जो पार्शियल प्रेशर है ना, पार्शियल मतलब आधा। अब अगर तीन गैसेस हैं तो तीनों के जो प्रेशर का सम होगा ना वो टोटल 1000 होगा ना, तो इस मीन जो उनका इंडिविजुअल प्रेशर होगा उसको हम पार्शियल प्रेशर कहेंगे, ठीक है। तो मैं ये कहता हूँ कि ए का 500 है, ठीक है, बी का 300 है और सी का 200 है, तो तीनों को जमा करें तो 1000 बन जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपने जो बुक में प्रॉपर एग्जाम्पल है वो देनी है, बाकी है यही है। हाँ ये कंडीशन क्या है कि ये उस वक्त है जब गैसेस आपस में रिएक्ट ना करें। जैसे देखें ना, अगर आपने कोई भी दो गैसेस जमा कर दी हैं, फॉर एग्जांपल आपने ऑक्सीजन के साथ जो है वो हाइड्रोजन जमा कर दी है, फॉर एग्जांपल फॉर द सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग मैं आपको कह रहा हूँ, वो दोनों रिएक्ट करके अगर आपस में वाटर बना देती हैं तो वो तो लिक्विड बन जाएगा, यहाँ वो हमारी कंडीशन तो चेंज हो जाएगी। तो हमने ये ऐसी गैसेस लेनी है जो आपस में रिएक्ट ना करती हों, तभी तो फिर हम उनके इंडिविजुअल प्रेशर की बात कर सकेंगे। अगर तो वो रिएक्ट कर जाती हैं तो फिर तो उनके इंडिविजुअल प्रेशर या पार्शियल प्रेशर ना रहा, ठीक है। अच्छा, इसकी जो एप्लीकेशन है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, उसकी तरफ हम चलते हैं। इसकी डेरिवेशन बहुत आसान है, इतनी मुश्किल तो नहीं है, बट मेरे ख्याल में आपको जो मसला आएगा ना वो जो क्वेश्चन नंबर 43 में है ना, इसमें आपको जो है वो मसला आएगा। वो मसला क्या आना है कि यहाँ पे जस्ट आपने जो है वो वैल्यू सब्सिट्यूट करनी है, जो एन है ना यहाँ पे, ये आपको कन्फ्यूज़ करता है। देखें n1/n2 यहाँ पे, ये वेयर एक्स इज़ कॉल्ड मोल फ्रैक्शन, ठीक है। मोल फ्रैक्शन क्या होती है, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर तीन गैसेज हैं आपके पास तो मैं क्या करूँगा, टोटल के मोल जमा करूँगा। टोटल मोल कितने बनते हैं, फॉर एग्जाम्पल टोटल मोल बनते हैं जी 5। अब मैंने मोल फ्रैक्शन और टोटल मोल मेरे पास कितने बनते हैं 5, ठीक है। और मैंने जो है मेरे पास एक एक के जो मोल है वो 2 हैं। अब मैंने उसकी मोल फ्रैक्शन फाइंड करनी है, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए, तो मैं 2/5 लिखूँगा तो उसकी मोल फ्रैक्शन आ जाएगी कि इसकी कितने फ्रैक्शन जो है वो इस मिक्सचर में जो है वो प्रेजेंट है, ठीक है। तो वो बस हम एन की जगह पे सब्स्टिट्यूट कर देंगे। अच्छा, इसमें जो है ना, देखिए कभी आपने सोचा है कि जो है एयर जो है, आप कहते हो कि हम जो है वो ऑक्सीजन इनहेल करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड एक्सहेल करते हैं, ठीक है। तो ये क्यों नहीं होता कि कार्बन डाइऑक्साइड बाहर से, हम देखें सराउंडिंग में हमारे है ना कार्बन डाइऑक्साइड, तो वो हमारे अंदर क्यों नहीं जाती, गैस ऑक्सीजन ही क्यों जाती है, या कार्बन डाइऑक्साइड हमारे बॉडी से बाहर आती है, ठीक है, तो ऑक्सीजन क्यों नहीं बाहर निकलती। तो देखें हमारे बॉडी में ना जो है पार्शियल प्रेशर जो है वो उसका ऑक्सीजन का इनसाइड आवर बॉडी वो कम है और बाहर पार्शियल प्रेशर उसका ज़्यादा है, तो वो कोई भी चीज़ जो है वो हायर कंसनट्रेशन से लोअर कंसनट्रेशन की तरफ जाती है, इस वजह से जो गैस है वो इनसाइड मूव करती है ऑक्सीजन। और जबकि कार्बन डाइऑक्साइड का उल्टा है, कार्बन डाइऑक्साइड में ऐसा है कि हमारे अंदर उसका जो है हमारी बॉडी के अंदर जो उसका प्रेशर है वो बहुत ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू आउटसाइड, तो इस वजह से वो हमारी बॉडी से आउटसाइड जो है वो मूव करती है, ठीक है। वो की बात ये इसमें देख लेना, ये वैल्यूज़ लाजमी याद करनी है 159 वाली, ठीक है। और इसमें ये जो है डीप सी डाइवर्स जो हैं, इसमें ये है कि वो मिक्सर यूज़ करते हैं
डीप सी डाइवर यूज द ब्रीथ ए मिक्सचर ऑफ 96% नाइट्रोजन एंड 4% ऑक्सीजन इन द रेस्पिरेशन टैंक स्क्यूबा। अच्छा जी, ये उन बंदों को कहते हैं एज ड्राइवर रिटर्न टू सर्विस बिकम हैजर्ड फॉर हिम टू हैंडल प्रॉपरली एज ड्राइवर कम्स अप प्रेशर ऑफ सराउंडिंग एयर वाटर। ओके, मैं इसको पढ़ता हूँ सारा, मैं आपको बताता हूँ फिर, ठीक है। डीप सी डाइवर ब्रीथ एयर अंडर इंक्रीजिंग प्रेशर एट द डेप्थ ऑफ 40 मीटर, प्रेशर इज 5 टाइम्स। यानी कि इसमें सिर्फ आपकी एक काम की बात है, वो है कंपोजिशन। कंपोजिशन क्या है कि 96% नाइट्रोजन और 4% ऑक्सीजन जो है वो आपने यूज़ करनी है। वह आपने यूज़ नहीं करनी, मतलब जो जो समुंदर में नीचे जाते हैं ना, गोताखोर जिसे आप कहते हो, या कोई इधर नहर या दरिया में कोई अगर डूब जाता है तो वहाँ पे वो आप बुलाते हैं उनको कि वो हमें लाश वगैरह निकाल के दें, ठीक है। तो वो फिर क्या करते हैं, तो वो उनके पास जो सिलेंडर होता है उसमें ये कंपोजिशन होती है जो वो यूज़ करते हैं, ठीक है। अच्छा, हाउ डीप सी डाइवर रिस्पायर ऑन रिटर्न फ्रॉम द सी, ये इंपॉर्टेंट है। परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन इन एयर इज़ अबाउट 80। ओहो, ये तो बड़ी ज़्यादा लिख गया है। इफ़ एन टू इज़ प्रेजेंट इन ए डाइवर टैंक द सॉलिबिलिटी ऑफ एन टू इन ब्लड कैन इंक्रीज विद इंक्रीजिंग प्रेशर इन वेरी डीप सी। एनी एंड ब्लड ऑफ डाइवर मे बी सेचुरेटेड विद एन टू ड्यूरिंग ए डाइव, और बंदा मर भी सकता है। ये जो एन टू है ना, ये बहुत ही ज़्यादा ख़तरनाक होती है, ठीक है। ये बॉडी में ब्लड में डिफ्यूज़ कर जाती है, और डिफ्यूज़ करने की वजह से जो भी प्रॉपर प्रेशर होता है पानी का, तो उस वजह से ब्लड में जो है वो डिफ्यूज़ कर जाती है। डिफ्यूज़ होने की वजह से जो है ये जो है प्रॉब्लम कॉज करती है। इफ द ड्राइवर रिटर्न्स क्विकली एंड रिलेटिवली एट लो प्रेशर एट द सरफेस ही विल फेस द थ्रेटनिंग लाइफ थ्रेटनिंग सिचुएशन कॉल्ड द बेंड। क्या है, डीप सी डाइवर मस्ट either use different solution of gases such as helium in oxygen or spend many hours in a decomposition chamber after a dive. The pressure is in a compression chamber is slowly reduced. देखें, वो कह रहे हैं यहाँ तो वो हीलियम और ऑक्सीजन का मिक्सर यूज करें, तो अगर वो ऐसा नहीं कर रहे तो वो डीकम्पोजिशन जो है डीकम्प्रेशन सॉरी उस चैम्बर में रहें ताकि उनका प्रेशर जो है वो स्लोली स्लोली रिड्यूज़ हो, क्योंकि वो पानी के नीचे गए थे तो वो इतने ज़्यादा प्रेशर था उनका, अगर वो एकदम सरफेस पे आते हैं तो एकदम प्रेशर का जो है वो फॉल होगा, अगर एकदम प्रेशर का फॉल होगा तो वो ब्लड में डिफ्यूज कर जाएगी और ज़िंदगी को भी ख़तरा हो सकता है। तो वो क्या होगा, डी कंप्रेशन चैम्बर क्या होंगे, उसमें स्लोली स्लोली जो है वो जो प्रेशर जो है वो कम होगा, ठीक है। आई होप सो कि आप बच्चों को समझ आ गए होगा। बच्चों, ये न्यूमेरिकल जो हैं मैं आपको दिखा रहा हूँ, स्टूडेंट एक्टिविटी वाले, ये सारे आपने खुद करने हैं, क्योंकि इसमें कोई मुश्किल बात नहीं है, ठीक है। ये आपके 9th क्लास की तरह। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।